नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे 15 सेकंड में खबर के साथ। आखिर जिंदगी की जंग हारी मासूम सृष्टि, 52 घंटे बाद बोरवेल से निकली बच्ची, व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। बोरवेल में फंसी सृष्टि को तीसरे दिन रोबोट टीम ने निकाला, रेस्क्यू करने के बाद बच्ची को भेजा गया था जिला अस्पताल। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना, प्रियंका गांधी के पास संगठन का नहीं है कोई अनुभव। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को सत्ता चाहिए, देश जाए जहन्नुम में, बीजेपी देश को बचाने वाली सरकार है। बेसबॉल प्लेयर संजना आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, अब्दुल मंसूरी नाम के युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी पर संजना को परेशान करने का आरोप। देश के मुसलमानों को आईएस नियाज खान की सलाह, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, मुस्लिम भाई गौरक्षक बने, जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित। आईएस नियाज खान के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान, बीजेपी किसी धर्म का नहीं करती विरोध, सभी करें अपने ईश्वर की आराधना और प्रार्थना। ग्वालियर में तमंचे की नोक पर लूट, बदमाशों ने 18 मजदूरों को बनाया बंधक, बंधक बनाकर लूटे मोबाइल और ट्रैक्टर। सतना में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ उठाया डंडा, सड़क पर फेंकी शराब, शराब कारोबारी पर की कार्रवाई की मांग। सतना में निर्माणाधीन मकान की गिरी दीवार, हादसे में मजदूर की मौत, मामले की जांच करेगी पुलिस। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में लॉकडाउन के समय के सभी केस होंगे वापस, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। दमोह में गंगा जमुना स्कूल विवाद पर बोले गृहमंत्री अनुपम मिश्रा, बच्चों को कौन शिक्षक प्रताड़ित करते थे इसे देखा जाएगा, अगर एनआईए इसका संज्ञान लेती है तो राज्य पुलिस करेगी मदद। दमोह धर्मांतरण मामले में संस्कृति बचाओ मंच ने परिजनों पर उठाए सवाल, दमोह घटना के लिए परिजनों को बताया दोषी, कहा क्या कम फीस और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चों को धर्मांतरण की ओर धकेलते। सीधी में खड़ी कार को ट्रक ने रौंदा, हादसे में दो बच्चों समेत 7 लोगों की मौके पर मौत, सीधी टेकरी मार के डोल के पास हादसा। एमपी में अब हुक्का बार पर होगी सख्त कार्रवाई, राष्ट्रपति ने हुक्का बार प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी, 103 साल तक की सजा का प्रावधान। 15 जून से कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा, प्रदेश भर में कई चरणों में निकलेगी यात्रा, यात्रा के दौरान होंगी 50 से ज्यादा आम सभाएं। कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, अभी तक जितनी यात्राएं निकाली एक में भी कमलनाथ नहीं हुए शामिल, उम्र के कारण कमलनाथ जी की ऐसी स्थिति नहीं। ईट राइट चैलेंज में एमपी ने मारी बाजी, भोपाल दूसरे नंबर पर तो ग्वालियर को मिला 5वां स्थान। भोपाल के बागसेवनिया के लोगों ने सीएम शिवराज का जताया आभार, सीएम के निर्देश के बाद अब नहीं काटे जाएंगे पीपल और बरगद के पेड़, बच्चों ने कहा थैंक यू मामा जी। 21 जून को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर दौरा, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर होगा कार्यक्रम, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी होंगे शामिल। दिग्विजय सिंह के गढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी के दौरे के अगले ही दिन पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, डिफॉल्टर किसानों का 2200 करोड़ का ब्याज भरेगी सरकार। ग्वालियर में भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान की छात्रा ने लगाई फांसी, बीबीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, हरियाणा की रहने वाली महक, मामले की जांच जारी। कांग्रेस से निष्कासित डिंडौरी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने की गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात, सियासी बाजार कर। एमपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, आदिवासी संगठनों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, 25 से 30 सीटों पर समझौता संभव। पन्ना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान योजना के तहत 305 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वर वधुओं को दिया आशीर्वाद, कहा सरकार की योजनाओं का जनता को मिल रहा लाभ। खंडवा में होटल में खाना खाने युवक की लाठी डंडों से पिटाई, होटल संचालक और उसके साथी पर मारपीट का आरोप, वायरल वीडियो के आधार पर जांच करेगी पुलिस। दतिया में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोग जख्मी, घायलों का अंदरगढ़ अस्पताल में चल रहा है इलाज।
भिंड टावा नेशनल हाईवे पर बना चंबल का पुल जर्जर, रात 12 बजे से भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध, समांतर पुल बन जाने तक जारी रहेगी। धार में चलती कार में लगी आग, समय रहते कार सवार दो युवकों ने बचाई जान, मुसावदा गांव के पास की घटना। शोपुर में चाय की दुकान में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी, विजयपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का मामला। लव जिहाद धर्मांतरण पर बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सनातन धर्म को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इस साजिश को किसी कीमत पर नहीं होने देंगे पूरा। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर किया पलटवार, कहा रमन सिंह के समय जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने, 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित, चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से मांगी 4 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट, विधानसभा क्षेत्र और मैदानी लड़ाई में परफॉर्मेंस का मांगा ब्यौरा। कुमारी शैलजा का मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने पर बीजेपी ने साधा निशाना, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा मंत्रियों का नहीं मुख्यमंत्री का रिपोर्ट मांगे शैलजा। धमतरी में व्यापारी से 4 लाख की उगाही की कोशिश, व्यापारी के घर पर्चा फेंक कर दी हमले की धमकी, साइबर सेल ने आरोपी को रायपुर से पकड़ा। मनेंद्रगढ़ में परिवार ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, कलेक्टर से लगाई इच्छा मृत्यु की मांग, प्रशासन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगाने का नहीं दिखा सर, पटवारियों ने जलाई एस्मा की कॉपी, 15 मई से हड़ताल पर है पटवारी संघ। बलरामपुर में एसडीएम पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप, मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, एसडीएम का तमाम आरोपों से इनकार। कोरबा में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, सड़कों पर पार्किंग बनी बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम से बढ़ी प्रदूषण और गंदगी। अंबिकापुर में डैम में डूबने से 14 वर्षीय नाबालिग की मौत, पुलिस ने नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, घटना की जानकारी से गांव में बसा माहौल। आगामी चुनाव में टिकट वितरण और मंत्रियों की रिपोर्ट पर सीएम बघेल का बयान, प्रदेश प्रभारी का काम रिपोर्ट लेना, पिछली बार ब्लॉक अध्यक्ष को दावेदारों ने दिया था आवेदन, इस बार की व्यवस्था आगे पता चली। चुनाव में टिकट वितरण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान, सर्वे के 3 नामों पर करते हैं विचार, कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगे तो टिकट 1 को मिले। प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार रहे हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने किया नमन, ट्वीट कर कहा तनवीर जी ने अंचल की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। धमतरी में जिला निर्वाचन शाखा चुनाव की तैयारियों में जुटी, ईवीएम मशीनों की जांच शुरू, वोटर लिस्ट से जोड़े जा रहे नए युवाओं के नाम, जिले में इस बार 6,000 नए मतदाता। रायपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक शुरू, प्रदेश भर के कलेक्टर एसपी बैठक में शामिल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू, एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप से मॉनिटरिंग, 10 किलोमीटर के दायरे में हाथी सहित जंगली जानवर के मूवमेंट की मिलती है जानकारी। जशपुर में चंगाई सभा में भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यकर्ताओं ने लगाया धर्मांतरण का आरोप, सभा कराने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, सिटी कोतवाली के बाला छापर का मामला। केंद्र सरकार के धान की एमएसपी बढ़ाने के फैसले से किसान नाखुश, गरियाबंद के ग्रामीणों ने कहा मजदूरी खाद बीज दवाई महंगे, उम्मीदों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा नहीं। आईआईटी भिलाई का पीएम मोदी जल्द करेंगे लोकार्पण, युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां, अगस्त के पहले सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं प्रधानमंत्री, 385 एकड़ में हो रहा है कैंपस का निर्माण। धमतरी में जिला निर्वाचन शाखा चुनाव की तैयारियों में जुटी, ईवीएम मशीनों की जांच शुरू, वोटर लिस्ट से जोड़े जा रहे नए नाम। आपदा प्रबंधन को लेकर रायगढ़ कलेक्टर ने ली बैठक, बैठक में आपदा प्रबंधन और राहत व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा, बाढ़ से निपटने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। दुर्ग में युवक के मर्डर केस का पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया पर्दाफाश, मामले में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में कई खुलासे।
सहारनपुर में 5 घंटे तक जिला अस्पताल की बिजली रही बाधित। गर्मी में मरीज और परिजनों की बड़ी परेशानी, बिजली नहीं होने से इलाज और जांच में आई बाधा। जशपुर में बैल के हमले में वृद्ध महिला की मौत। चराने के लिए जाने वक्त बैल ने किया हमला। पथलगांव थाने के मक्कापुर की घटना। बलरामपुर में जहरीले सांप के काटने से बुजुर्ग महिला की मौत। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान महिला ने तोड़ा दम। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के गंवारडीह गांव का मामला। बलौदाबाजार में चाकू लेकर बदमाश ने की मारपीट। भाटापारा शहर में पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पेंड्रा में रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के तोड़ा गया ओवरब्रिज। प्लेटफॉर्म पर जाने में रेल यात्री को हो रही परेशानी। रेल लाइन पैदल पार कर रहे यात्री। यशपुर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। लैपटॉप नकदी समेत जेवरात ले उड़े चोर। पथलगांव के केरा कछार का मामला। मामले की जांच करें पुलिस। अंबिकापुर में महिला के मकान गिराने के मामले में 12 लोगों पर FIR। ग्रामीणों ने निर्माण के दौरान तोड़ा था घर। बतौली थाना क्षेत्र का। जांजगीर में शिवरी नारायण के महानदी में तैरते हुए शव मिलने से सनसनी। शिवरी नारायण पुलिस को दी गई सूचना। महानदी पुल पर लोगों का जाम। जगदलपुर में CPI पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। बस्तर समेत प्रदेश की जनता से अपील, हमें वोट भी दें और नोट भी। चुनाव जीतने के बाद करेंगे जनता की सेवा। कोरबा में खदान कर्मियों का 1 जुलाई से लागू हो गया नया वेतनमान। यूनियन नेताओं से मुलाकात में कोयला मंत्री ने किया आश्वस्त। यूनियन ने कर्मियों के लंबित मुद्दों की दी जानकारी। कोरबा में 2 कारों की भिड़ंत के बाद मारपीट। एक कार सवार युवक ने दूसरे कार सवार दंपति को पीटा। मारपीट की घटना CCTV में कैद। सिविल लाइन थाना के सुभाष चौक की घटना। MCB जिले के चिरमिरी नगर निगम के ज्यादातर वार्डो में पेयजल की समस्या। कई वार्डो में 1 महीने से हो रहा गंदे पानी का सप्लाई। गंदे पानी से बीमारी की चपेट में आ रहे लोग।